और अब इसे तेल में डालेंगे। जैसे कि संजू पानी में डाल रही है, पानी गर्म हो चुका है, उसमें डाल रही है लीवर को। तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों चिकन पकौड़े से, चिकन लीवर का पकौड़े। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों आज हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नई रेसिपी लेके आए हैं। आप लोगों ने चिकन पकौड़े खाए होंगे, मटन पकौड़े भी खाए होंगे, लेकिन ये चिकन लीवर यानी कि चिकन कलेजी का पकौड़े बना के कभी भी नहीं खाए होंगे शायद, क्योंकि कल तक हम लोगों ने भी नहीं खाए थे। कल पास के पड़ोसी में किसी ने बना के हमको खिलाए और हमें तब भी पता चला इसका स्वाद, इसका टेस्ट कैसा है। चिकन पकौड़े आप जैसे खाते हैं, चिकन पकौड़ा का जैसा स्वाद होता है, चिकन लीवर का पकौड़े उससे भी और भी स्वादिष्ट है, और भी टेस्टफुल है दोस्तों। कल जब हम लोगों ने खाए हम लोगों को पता चला। तो हम लोगों ने आज सोचे कि चलो आज हम घर में खुद बनाते हैं और आप लोगों के लिए भी शेयर करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों चिकन पकौड़े से, चिकन लीवर का पकौड़े। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग मतलब हम नहीं, आज संजू बनाएगी, मैं उसको जस्ट बोलूँगा प्रोसेस कैसा। जैसा चिकन पकौड़ी बनाते हो सेम वैसा ही, कुछ भी नहीं, लेकिन इसका टेस्ट चिकन पकौड़े से बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो सबसे पहले उसके लिए पहले ये चिकन लीवर को बॉइल्ड कर लेना होता है। जैसे कि संजू पानी में डाल रही है, पानी गर्म हो चुका है, उसमें डाल रही है लीवर को। तो दोस्तों जब तक चिकन लीवर हमारा बॉइल नहीं हो जाता तब तक जो मसाले की ज़रूरत होता है उसको ग्राइंड कर लेंगे। ये अदरक और लहसुन है, तो दोस्तों अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिए हैं। और यहाँ लीवर भी हमारा बॉइल हो चुका है, संजू निकाल रही है कढ़ाई से, अब इसे निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद थोड़ी देर दोस्तों ऐसे ही रखेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसको ऐसे ही तो पकौड़े नहीं बना सकते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटना पड़ेगा। अभी गर्म है, काट नहीं सकते। नयंती कुटिया पीस में नहीं दबा पकौड़े बहुत ही गर्म है, धुआं निकल रहा है इसमें से। तो दोस्तों अब कलेजी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े यानी कि बिल्कुल छोटे नहीं, थोड़ा ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा नहीं, जैसा चिकन पकौड़े के साइज होता है वैसा ही साइज में कटिंग कर लेंगे। और ये सब उसके लिए कुछ मसाले हैं, ये चिकन मसाले, ये कॉर्नफ्लावर और ये टेस्टिंग साल्ट। और यहाँ संजू काट रही है, जैसा चिकन पकौड़े के साइज होता है बिल्कुल वैसे ही काट लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं कि ज़्यादा छोटा नहीं। तो दोस्तों अब हम सारे कलेजे को छोटे छोटे टुकड़े में काट चुके हैं, अब इसमें मसाले मिलाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये लहसुन जो पेस्ट करके रखे थे, अदरक और लहसुन, उसमें से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा चिकन मसाले डाल देंगे इसमें, फिर थोड़ा टेस्टिंग साल्ट, बस बस टेस्टिंग साल्ट खाली थोड़ा ही डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो टेस्टिंग साल्ट होता है वो बहुत ही कम डालना, हमारे घर में थोड़ा था इसलिए डाल दिए, हो सके तो आप लोग डालिए मत, वो टेस्ट सामान को मतलब आइटम को टेस्टफुल तो बनाता है लेकिन सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही ख़राब चीज़ है वो। फिर उसके बाद लास्ट में थोड़ा जो कॉर्नफ्लावर होता है उसको थोड़ा ऐड कर देंगे। जैसे चिकन पकौड़े आप लोग बनाते हो सेम वैसे ही प्रोसेस है, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद लास्ट में थोड़ा नमक डालेंगे दोस्तों। हम जब लीवर बॉइल किए थे तब उसमें पानी में नमक डाले थे, इसलिए अभी थोड़ा ही नमक डाल रहे हैं। फिर उसमें थोड़ा ही पानी ऐड करके उसको मिला देंगे अच्छी तरह से। भोल की पूरा एकदम भोल की मिले दियो, अब अच्छी तरह से इसको मिला देंगे दोस्तों। थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिए संजू, ये देखिए पानी वैसे ही नहीं, हाँ ना ठीक है। तो दोस्तों संजू गलती से थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिए उसमें, इसीलिए ये देखिए फिर वो कॉर्नफ्लावर पाउडर और थोड़ा डाल रही है, नहीं तो जितना कॉर्नफ्लावर पाउडर डाले थे उतना ही बराबर हो जाता था, थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया इसीलिए फिर कॉर्नफ्लावर पाउडर और थोड़ा डाले रही है। ये देखिए अब हमारा बिल्कुल बराबर हो चुका है मसाले, थोड़ा पानी जो ज़्यादा हो गया था और थोड़ा पाउडर डाल के संजू बराबर कर दिए, अभी बराबर है ये जी नहीं। तो अब इसको थोड़ी देर रख देंगे दोस्तों ताकि इसके अंदर मसाले अच्छी तरह से जा सके, एक आधा घंटा इसे ऐसे ही रख देंगे। तो चलिए दोस्तों अब आधा घंटा इंतज़ार कर लेते हैं,
और आधे घंटे के बाद बनाते हैं चिकन लीवर के पकोड़े, यानी कि तेल में फ्राई होता है और कुछ नहीं ना। और इसमें और एक चीज़ ऐड करे तो और अच्छा होता था, कौन को था भुर्सुंगा पत्र, जो भुर्सुंगा पत्ता बोलते हैं हम उड़िया में, कारी पत्ता, वो ऐड करेंगे। मैं भूल गया था, संजू भी भूल गई थी, अभी याद आया, तो चलो पहले जाके वो करी पत्ता ले आते हैं। इतना बड़ा एक झाड़ हमारे घर पे है करी पत्ता के, खाली अड़पो दुई तीनटा सिकड़ो नहीं नहीं जीवो, बस बस सत्ती की उतना ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे थोड़ा धो लेंगे, धो के अच्छी तरह साफ कर लेंगे। हाँ नियो कितने भूसना पत्र न बनियो सती सती सौ पके दो सत्य लागी वन, थोड़ा ही लीवर है, उतना ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब आधा घंटा हो चुका है दोस्तों, अब ये कलेजे के अंदर मसाले बराबर जा चुका है और अब इसे फ्राई करा लेंगे। और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है और इसे फ्राई करने से पहले थोड़ा मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसे तेल में डालेंगे। जैसा चिकन पकौड़ी आप बनाते हो सेम वैसा ही है। और डोरी डोरी पकौ जो ये किच्छी होनी काटी होनी, संजू डर रही है। ये देखिए बिल्कुल चिकन पकौड़ी जैसा ही दिख रहा है, लेकिन चिकन पकौड़ी से बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट है ये। और यहाँ ऊपर से चूल्हा भी बराबर नहीं जल रहा है, जला ये भी फ्राई हो जाएगी। तो अब ये फ्राई हो चुका है, पूरा बिल्कुल चिकन पकौड़ी जैसा वैसा ही दिख भी रहा है होने के बाद, और थोड़ा है। फिर लास्ट में दोस्तों पहले जो पकौड़े बना के हम रखे थे उसके साथ में एक बार तेल में फ्राई करा लेंगे, क्योंकि वो बराबर पका नहीं था, बराबर बना नहीं था। थोड़ा एक मिनट तक इसको फ्राई करके फिर निकाल लेंगे, तब जाके हमारा पकौड़ी बराबर फ्राई हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा ये कलेजी पकौड़ी बन के रेडी हो चुका है और एक पीस इसमें से चख के देखेंगे कैसा इसका टेस्ट है। बहुत ही अच्छा है, बल्कि कल हम लोगों ने जिसका घर में खाए थे उससे और भी बढ़िया लग रहा है। चिकन पकौड़ी से बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चिकन लीवर का पकौड़े। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ, तब तक रहते हैं, बाय बाय।